वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 14 में। तो पार्ट नंबर 14 में हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, इसको जानने के लिए आपको पार्ट नंबर 13 के बारे में जानना होगा। और पार्ट नंबर 13 अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर के उसको देख लीजिए और आपके प्रॉब्लम्स वहाँ पे कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है ये मैंने कल बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी थी जो सेल के अंदर होती है और वो सेल के अंदर ही वो फैक्टर है जिससे वो पोटेंशियल को ड्रॉप कर देती है और जिससे हमें कम आउटपुट मिलता है। देखना ये है ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है जिसकी वजह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आइए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या है कहानी, ठीक है। हमारे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आइए इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट कर लेता हूँ। नाउ सपोज दैट बच्चों मेरे पास ये कोई जार है, मतलब बाउल है, जिसमें मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा हुआ है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से है, दोनों फील्ड सब्सटेंसेस के। पहला जो इलेक्ट्रोड है उसका हमने नाम रखा हुआ है ड्यू टू पॉजिटिव एनोड है और ये आपका क्या है कैथोड है। बात क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे आयंस है, पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कहानी क्या है, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों ही इलेक्ट्रोड पर मूव करते हैं ताकि पोटेंशियल को क्या रखे ये बैलेंस रखे, और पोटेंशियल बैलेंस रहेगा तभी तो करंट की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कहानी क्या है तो देखना है, देर आर यहाँ पे कई फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस का कारण बनते हैं, ठीक है, कॉजेज है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आई कॉल कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं, मेरी बात थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर ली। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है उसकी साइज मैटर करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की साइज जितनी बड़ी होगी, ठीक है, पहला तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कुछ फैक्टर्स है कौन कौन से है, पहला बच्चों है इंटरनल रेजिस्टेंस, इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस आपके प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड करेगा, कैसे, अगर प्लेट का एरिया मैं बढ़ा दूं, प्लेट के एरिया में बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पर मतलब कलेक्ट होगा, ज्यादा चार्ज कलेक्ट होंगे तो एक बार में ज्यादा चार्ज की कंडक्टिविटी होगी जिसकी वजह से करंट बढ़ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा इसी रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेट का एरिया बढ़ा और कंडक्टिव कंसिस्टेंसी बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हुआ। इसका मतलब हमने क्या किया कि हमने कह दिया कि जो प्लेट का एरिया होगा वो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, बढ़ने से आपके एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस को कम कर देगा। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे क्या होगा, तो अगर प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है अगर ये कम हो, तो अगर प्लेटों के बीच का सेपरेशन कम होगा तो आयंस जो है वो एक दूसरे के बीच में जल्दी जल्दी मूव करेंगे, अगर जल्दी जल्दी मूव करेंगे फास्ट हो जाएंगे तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, डिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ कम हुआ, क्योंकि करंट कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। तो करंट की कंसिस्टेंसी बढ़ने के पीछे फैक्टर क्या है कि जैसे जैसे स्मॉल डी की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे कटेगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा और वैसे वैसे आपके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ये स्मॉल आर क्या है, मैं फिर से बता दूं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको दिखाने का हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, एक सिंबल बना लिया है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड की बात करूं तो यहां पर क्या है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट
का कंसेंट्रेशन क्या यूज किया है, जितना गाढ़ा कंसेंट्रेशन होगा, देखिए आयन इतने कम मिलते हैं, तो कहानी ये होनी चाहिए कि कंसेंट्रेशन जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि इससे आयन ज्यादा बनेंगे, और आयन ज्यादा बनेंगे तो आपको कंडक्टिविटी में क्या होगी, आसानी होगी। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कंसेंट्रेशन के रेसिप्रोकल होता है, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो आयन कम बनेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो होगा वो बढ़ जाएगा, आयन कम बनेंगे, करंट की कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। Similarly, when we talk about next thing is a nature of electrolyte. आपने जो electrolyte use किया उसका nature कैसा है? तो internal resistance और भी factor पर depend करता है, nature of electrolyte मतलब well the भट्टी की प्रकृति पर, ठीक है? Electrolyte, nature of electrolyte, ठीक है? Nature of electrolyte मतलब electrolyte well the भट्टी की प्रकृति पर depend करता है। सिमिलरली मैं अगर बात करूं और कौन कौन सा फैक्टर है, तो दूसरा नेक्स्ट फैक्टर होगा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सेल या इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम सेल का टेम्परेचर बढ़ा दें तो सेल का टेम्परेचर बढ़ाने से आपके आयंस का वाइब्रेशन अधिक होगा, ये तो कोलिजन ज्यादा करेंगे, डिस्टर्बेंस बढ़ा देंगे, और टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट अच्छा ना लूं, मतलब उसमें आयंस कम बने, तो अच्छी इलेक्ट्रोलाइट ना लेंगे, मतलब अच्छे आयंस वाले इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे, तो आपकी रेजिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी। इवन एक और मैं बात करूं, ये जो है वो है टाइम, ठीक है, टाइम पर भी डिपेंड करता है कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ज्यादा देर तक अगर आपके इलेक्ट्रोड डूबे रहेंगे इसमें इलेक्ट्रोड में, तो इससे क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोड खराब होने लगते हैं, और इलेक्ट्रोड खराब होने लगेंगे कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा टाइम देने से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि आप लैक्रांसे सेल, डैनियल सेल वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रोड्स है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ही रखें, ठीक है। तो बाहर कहानी आज सारी क्लियर हो रही है, तो ये सब हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हमें एंट्रेंस एग्जाम में भी काम देने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आप कहते हैं कि आपके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने पोटेंशियल ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज आपके इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ को लेकर के एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लेट्स सी, ठीक है, रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला था कि हर सेल में अपना EMF होता है, अपनी एबिलिटी होती है, और उसी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जब सेल यूज में नहीं होता तो स्मॉल आर जो है वो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है, और जैसे ही सेल यूज होना स्टार्ट होता है उसमें स्मॉल आर जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। आइए देखिए, तो लेट्स सी, मेरे पास एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मैंने स्मॉल छोटे से फैक्टर्स यहाँ पे दिखा रखा हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा, और ये है कैपिटल ई, ये स्मॉल आर जो छोटा फैक्टर है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी अप्लायंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आपने करंट प्रोवाइड करा, ये करंट कुछ इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेगा, ठीक है। अब जो करंट इसमें मूव करेगा वही करंट इसमें जाएगा, तो अगर मैं करंट की सप्लाई की बात करूं तो सेल करंट को जब भेजता है तो हमारे सर्किट में टोटल लोड को चेक करके ही भेजता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दिस सर्किट, मतलब सर्किट में, इन दिस सर्किट करंट, इन दिस सर्किट करंट क्या होगा बच्चों, तो करंट रिजल्ट हो जाएगा टोटल ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और आपने टोटल रेजिस्टेंस कितना देख लिया, वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करा हुआ है। नाउ हम यहां से इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, नाउ ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। सिमिलरली हम अगर जानते हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, आई आर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। नाउ हम क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड स्मॉल आर, मतलब यहाँ पर V टर्मिनल पोटेंशियल है, किसके, आर के सेक्शन के बीच में, E आपका ईएमएफ ऑफ सेल है।
ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि ई और वी में ई कभी भी ई नेवर बी इक्वल टू बी, ठीक है, ये ई बी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हर सेल का अपना अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस होता है। ये अगर आर की वैल्यू जीरो नहीं है तो ई भी कभी भी बी के बराबर इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल सी बात है, जब करंट ड्रॉ हो इससे सेल से, क्लियर बात, सेल से। सिमिलरली मैं इससे और भी फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूं, देखिए एक फॉर्मूला तो आपने यहाँ देख ही लिया था, एक और फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा निकल के आ रहा, और थोड़ा सा बात करते हैं नोट पॉइंट में। सिमिलरली अगर ये सेल करंट ड्रॉ कर रहा है रेजिस्टेंस के, अगर हम सेल को करंट प्रोवाइड करें, मतलब हम करंट सेल को ही प्रोवाइड कर देते हैं, तब क्या देखने को मिलेगा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द सेल, तब क्या होगा, आइए समझ लेते हैं। इस केस में करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उस समय आप बी इज इक्वल टू करंट नेगेटिव ई प्लस आई आर, ठीक है, क्या समझ आई बच्चों आपको बात। जब मैं सेल के डिस्चार्ज होने की बात करूं, मतलब जब करंट पॉजिटिव में चल के आती है, तब इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। और सिमिलरली मैं बात करूं अगर करंट जो है अपोजिट हो जाए, तब इस सेक्शन के बीच में या इस सेल के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल आएगा वो ई प्लस आई आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई गई, तो इसको आप वर्ड्स में सिंबलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जब सेल चार्ज हो रहा हो, ठीक है, व्हेन सेल चार्ज या चार्जिंग, तो वी की वैल्यू जो है ई से बड़ी होगी, और व्हेन सेल डिस्चार्जेस, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो इस समय बी की वैल्यू इसे क्या हो जाएगी, कम आएगी। दोनों कहानी क्लियर हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, फॉर्मूला भी लर्न रखिएगा, ठीक है। तो जब हम सेल के इंटरवेंशंस के बारे में जान जाते हैं, सेल के कौन कौन से इंटरवेंशंस है, किस पर इफेक्ट पड़ता है, तो हमारी बात शुरू होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन आप जरूर फोकस करते रहिएगा, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, तो जब मैं सेल के बारे में बात करता हूँ, तो सेल मेरे पास बहुत सारे अगर आइडेंटिकल तौर पे या फिर अनआइडेंटिकल है, बहुत सारे सेल है, तो सेल का हमें क्या करना होता है, जोड़ करके सर्किट में लगाना होता है, ताकि हम उसको डिजायरली यूज कर सके, ठीक है। तो If there are several n cells and we have to combine them, अगर हमें सबको जोड़ना है तो हमें किस तरीके से जोड़ना होगा, देखो उसको जोड़ने के आपके पास कई तरीके हैं। पहला तो है आपके पास सीरीज है, ठीक है, दूसरा बच्चों है आपके पास पैरेलल है, ठीक है, और तीसरा है बच्चों आपके पास मिक्स कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं और सब किस में है, सीरीज में, ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं सीरीज के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं n आइडेंटिकल सेल है, सब समान सेल है, आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, यदि हमारे पास n समान वैल्यू सेलें हैं, ठीक है, आइडेंटिकल सेल है एंड कनेक्टेड इन सीरीज, सभी किसमें लगे हुए, सीरीज, अगर सब आइडेंटिकल है तो सबका क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो ये लीजिए सबको इस तरीके से आपने जोड़ दिया, और ये आपने किसी लोड से जोड़ दिया आर से,
और ये E, वन टू इस तरीके से सारे सेल सेम ही है, तो कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। सबका रेजिस्टेंस होगा बच्चों स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और आर एन, एन तक है। इस तरीके से करंट ड्रॉ करेगा, करंट जो ड्रॉ करेगा मान लेते हैं आई होगा। तो पहले बात कर लेते हैं सेल का टोटल ईएमएफ क्या होगा। तो सेल का टोटल ईएमएफ बच्चों, अगर मैं ईएमएफ के बारे में बात करूं और सब ईएमएफ मतलब बजट बहादुर सब सीरीज में है, तो सारे क्या होंगे, एन टाइम्स होने के कारण क्या होंगे, एड ऑन होंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा एन इंटू ई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल के बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल भी सीरीज में ही आएंगे, और इस समय आर स्मॉल इक्विवेलेंट मतलब जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है उनको ही मैं कंबाइन कर लूं, तो फाइनली ये हो जाएगा एन आर। और नाउ अगर मैं करंट के बारे में बात करूं तो करंट बच्चों हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू ई, यहाँ पे ई होता था बच्चों, यहाँ पे एन ही लिख देंगे, और यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता था, और स्मॉल आर की जगह पे क्या होगा स्मॉल एन आर। तो ये बच्चों आपका हो गया करंट। क्लियर बात, अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था ई बाई आर प्लस आर, तो ई यहाँ पे सिंगल नहीं है बहुत सारे हैं तो एन ई, और यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर था, यहाँ पे बहुत सारे आर है इसलिए एन आर। क्लियर बात, तो ये क्या बताता है ये करंट का कहानी, मतलब करंट का जो यहाँ पे विड्रॉल होगा वो कितना होगा। अब चेक ये करना है कि क्या ये सुटेबल है, तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। इसके दो केसेस है बच्चों, ठीक है। पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहला केस देखिए आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि एनआर की वैल्यू अगर आर से ज्यादा हो, मतलब हमारे जो सेल रेजिस्टेंसेस है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो काफी कम हो, मतलब अच्छे सेल हो, तो उस समय अगर मैं ये कहूँ कि आर जो है वो बड़ा हो, ठीक है, इससे एनआर से, ठीक है, देन अगर बड़े होने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं, देन आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, आई की वैल्यू लिख सकते हैं एनी अपॉन आर। याद रखिएगा ये कहानी हो गई पहली। दूसरी कहानी को मैं क्लियर करता हूँ इस डायग्राम को डिलीट करके, ठीक है, डिलीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास केस सेकंड है बच्चों, और केस सेकंड में कहानी क्या है कि यहाँ पे अगर आर की वैल्यू छोटी हो जाए एनआर से तब क्या होगा। अगर आर की वैल्यू एनआर से छोटी हो जाए तो इसका मतलब कैपिटल आर को आप मिस कर दीजिएगा, मतलब आपने जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ एक्सटर्नली वो कम है। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एनआर, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई आर। क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ये पहले वाले केसेस में देखिएगा कि आइडेंटिकल सेल है और आप ढेर सारे सेल यूज करेंगे, लेकिन ढेर सारे सेल यूज करने से कोई फायदा नहीं। अगर इंटरनेशनल आपका वीक है, कम है, तो आपको आपको करंट जो है वो एंड सेवरल टाइम्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इधर आइए केस को मैं क्या कहता है, अगर आपके इंटरनेशनल जो है वो बड़े हैं अधिक है और उस समय आप ढेर सारे सेल यूज भी करते हैं, सेल यूज भी करते हो, तो भी आपको करंट जो है एक सेल की इक्विवेलेंट ही मिलने वाला है। तो अगर हमको करंट ज्यादा चाहिए, अच्छे अमाउंट में चाहिए, हाई चाहिए, तो हम कैसे जाएंगे, हम सीरीज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एंड सेवरल टाइम्स क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई हो। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिस कॉम्बिनेशन, इसको मिस मत करिएगा, अगले क्लास का वेट करिएगा। धन्यवाद।